हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी स्क्वायर में। देखिए, हमारी फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में मैं आपको एमएस वर्ड की बेसिक जानकारी के बारे में बताऊंगी कि किसको हम क्या बोला जाता है, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि एमएस वर्ड क्या होता है, ठीक है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये एमएस वर्ड होता क्या है, ठीक है। मैं बता दूं, एमएस वर्ड का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्यूमेंट, फॉर्म, रिज्यूम, लेटर, लोगो डिजाइन, बुक कवर, ई बुक आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए, मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। मैं आपको बता दे किस तरीके से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यानी एमएस वर्ड को हम ओपन कर सकते हैं। देखिए, इसके कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको दो तरीके बता देती हूँ। सबसे पहले हम राइट बटन को क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आ जाएगा, बस उस पर क्लिक करेंगे। आपके पास इस तरह की एक शॉर्टकट की बन जाएगी, बस उसको आप ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके से ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। उसके बाद दूसरा तरीका बता देती हूँ। आप विंडो के साथ आर बटन प्रेस करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी। बस इसमें आपको वाइन वर्ड टाइप करना है। देखिए, जब आप वाइन वर्ड को टाइप करोगे तो आपका ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके इसमें वर्ड में कोई भी मिस्टेक होती है तो आपका ये एमएस वर्ड ओपन नहीं होगा। बस आपको इसको ओके कर देना है। तो आपके पास इस तरीके से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा, बस उस पर क्लिक करोगे तो आपका ये एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से इस तरह कर देती हूँ। आप देखिए, मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लेती हूँ तो आपका ये खुल के आ जाएगा। देखिए, अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। मैंने इसको छोटा कर लिया यहाँ से, और बस देखिए, जैसे मैं इसको माउस के कर्सर को ऐसे करूँगी तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हो, और साइड से भी इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जितना चाहे। और इस साइड से भी कर सकते हो, जितना आप करना चाहते हो आप उतनी अपनी इसको प्रोग्रामिंग को बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको इसको देखिए, मैं यहाँ से भी आपको करके दिखा देती हूँ। अगर इसको आपको खिसकाना है, इसको प्रोग्रामिंग को पूरा कहीं पर भी लेके जाना है, बस इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इधर उधर लेके जा सकते हो, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं बता दूं आपको, जैसे देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 2, इसको क्या बोला जाता है। देखिए, ये मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये थोड़ा डार्क लाइन में आ जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट यानी 2 है, ये हमारा जो खुला हुआ है उसका नाम आ रहा है, यानी एमएस वर्ड है, ठीक है। अब इसके राइट साइड में यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा बटन है इसको मिनिमाइज, इससे हम अपने जो ये हमारा एमएस वर्ड है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको टास्क बार भी बोलते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं और ओपन कर लेते हैं वहीं से जहाँ ये मिनिमाइज हुआ है। अब हमारा सेकेंड बटन है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिस्टोर और डाउन, ठीक है। इसको रिस्टोर और डाउन बोला जाता है। इससे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये प्रोग्रामिंग है एमएस वर्ड, इसको बड़ा कर सकते हैं और उसको छोटा कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड ऑप्शन आता है, यहाँ से बिल्कुल ये क्लोज हो जाता है, बिल्कुल यहाँ से ये, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कट हो जाएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो ये हमारा है ये, इसको क्या बोला जाता है, रिबन, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिबन। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम नए होते हैं तो ये रिबन मिनिमाइज हो जाता है, मतलब गलती से हो गया। देखिए, ये इस तरीके से
मिनिमाइज हो जाता है, तो हम परेशान से हो जाते हैं कि ये कहाँ गायब हो गया है। तो परेशान नहीं होना, तो बस इसमें क्या करना है, अगर आप नए हो तो मैं बता देती हूँ, इसको बस राइट क्लिक करना है और जो हमारा ये टिक का निशान है बस इसको यहाँ से अनचेक कर देना है, आपका रिबन फिर से आ जाता है। देखिए अब बात करती हूँ, जो हमारे पास ये दिया हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइनिंग, लेआउट, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम मेन्यू बार बोलते हैं और टैब भी बोलते हैं। देखिए इसमें जो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं होम, टैब, मतलब इनको टैब भी बोलते हैं, यानी मेन्यू बार में, यानी इंसर्ट मेन्यू बार है, इनके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं कुछ मतलब सब में अलग अलग दिए गए हैं। इन सब के बारे में बात करूंगी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अभी मैं इसकी बेसिक सी थोड़ी जानकारी बता रही हूँ, ठीक है। इनको मेन्यू बार भी बोलते हैं और टैब भी बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा ये पेज है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम पेज भी बोलते हैं और ये वर्क एरिया भी बोला जाता है, ठीक है। और जो ये हमारा टिमटिमा रहा है इसको क्या बोलता है, कर्सर बोला जाता है, ठीक है। और जो हमारा ये आई बटन दिख रहा है आपको, आई लिखा हुआ, आई सा लिख रहा है, तो इसको क्या बोलता है, माउस पॉइंटर बोला जाता है, ठीक है। और जो ये कर्सर होता है, देखिए ये कर्सर होता है, ये मतलब जहाँ पर हम वहाँ पर जहाँ पर ये इंटीग्रेट करता है, जैसे जहाँ पर ये इंटीग्रेट करता है, ठीक है, वो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस जगह को ये इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है, वहाँ को ये इंटीग्रेट कर देता है। देखिए इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। अब बात करती हूँ, देखिए आपके साइड में ये बटन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो बटन है यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे की साइड हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। देखिए स्क्रॉल बार आपके यहाँ पे नीचे की साइड भी होता है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो वो कब दिखाई देगा, जब यहाँ से आप इसको जूम इन कर दोगे, ठीक है। जब इसको जूम इन करोगे तो आपका ये भी दिखाई देने लगेगा, ये देखिए यहाँ से ये दिखाई देने लग जाता है जब हम इसको जूम इन कर देते हैं, ठीक है। इससे जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, कोई रिज्यूम बनाते हैं, वो बहुत बड़ा होता है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया वो इतना बड़ा होगा, तो हम यहाँ से इसके स्क्रॉल बार से इसको नीचे करके इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अभी कुछ इसलिए नहीं दिखाया, ब्लैंक इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है। जब हम आगे कोई डॉक्यूमेंट या लेटर बनाएंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, अभी मैं आपको बेसिक सा बता रही हूँ, ठीक है। और अगर हमने इस साइड में बहुत ज़्यादा जूम इन करके अपने पेज को लिख रखा है तो आप यहाँ से इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए इनको क्या बोला जाता है, जो ये साइड में होता है स्क्रोल बार, इसको वर्टिकल स्क्रोल बार बोला जाता है, और जो ये नीचे की साइड होता है इसे ओरिजेंटल, ठीक है, ओरिजेंटल बोला जाता है। देखिए इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं बता दूं, रिबन के नीचे आपको एक रूलर दिखाई देता है, अभी ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसको अनचेक हुआ है, देखिए अभी मैं जाके मैं इसको चेक कर देती हूँ। तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक रिबन के नीचे ये रूलर दिखाई दे रहा है, इसका काम होता है कि ये पेज की माप को बताता है। देखिए जैसे ये स्क्रोल बार भी दो टाइप के थे, ओरिजेंटल और वर्टिकल, इसी तरीके से ये भी दो टाइप के होते हैं, ये जो इस तरीके से होता है ये होता है ओरिजेंटल और ये वर्टिकल होता है, ये पेज की माप को बताता है, जो हमारे एमएस वर्ड में पेज होता है उसकी माप को बताता है कि कितना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ से जूम आउट कर लेती हूँ, इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब मैं बता देती हूँ आपको, सबसे नीचे ये लिख रहा है पेज वन ऑफ वन, ठीक है, जीरो वर्ड, और इंग्लिश यूनिट स्टेट, यानी आप यहाँ से लैंग्वेज देख सकते हो कि कौन सी अभी हमारी सिलेक्ट हुई है इंग्लिश यूनिट स्टेट में, ठीक है। ठीक है अब ये हमारा जो पेज ऑफ वन वन है, अभी हमारा वन पेज खुला है, जब हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा कि हम सेकंड पेज पे हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ वर्ड की, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देती हूँ, यानी आप यहाँ पे जितने भी वर्ड टाइप करोगे, देखिए मैं अभी यहाँ पे टाइप कर देती हूँ कुछ भी, ये टाइप किया मैंने तो यहाँ पे देखिए वन वर्ड आ गया है, ठीक है, यहाँ पे ये वन वर्ड आ गया, यानी आपने एक वर्ड को यहाँ पे टाइप किया।
देखिए यहाँ पे ये बटन दिखाई दे रहे होंगे आपको, जैसे रीड मोड और प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। ये देखिए इनके बारे में भी हम बता दूँ आपको, यहाँ पे भी ये मतलब बटन दिए गए होते हैं। इनमें हम कहाँ सीखेंगे, देखिए लेआउट में भी आपको ये बटन, व्यू में भी आपको ये बटन मिल जाते हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। देखिए हम इसको सीखेंगे अभी, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मिल जाते हैं हमको 3 बटन, इनसे हम मतलब अपना लेआउट देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट कितना है, ठीक है। अब बात करती हूँ जो ये हमारा ऑप्शन मिल जाता है जूम आउट एंड जूम इन का। देखिए हम जितना भी यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, यानी हम मैक्सिमम कितना जूम इन तक कर सकते हैं इसमें, यानी 500 तक कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम जो हमारा एमएस वर्ड है उसमें हम कितना मैक्सिमम जूम इन कर सकते हैं और मिनिमम कितना जूम आउट कर सकते हैं। देखिए जूम आउट हम 10% तक कर सकते हैं, देखिए ये 10% तक मैंने यहाँ पे जूम आउट कर दिया है, ठीक है। और जूम इन हम इसको 500% तक कर सकते हैं। देखिए आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से, मैंने इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज बता दिया आपको, किस तरीके से किस चीज को क्या बोला जाता है, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।